नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पे। आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ जो कि एक राइफल स्कोप का है। देखें, ये मार्कोल का राइफल स्कोप है जो आपके सभी राइफल में लग सकता है, जैसे 315 हो गया, 3006 हो गया, 0.22 हो गया, 0.358 हो गया। बट मैंने जो इसको मंगाया ना, मैंने अपने 0.177 कैलिबर के राइफ़ल के लिए इसको मंगाया है। आप इसके आउटर बॉक्स को देखें, ये मार्कोल ऑप्टिक्स का बैजिंग है इसके आउटर बॉक्स पर। काफ़ी हार्ड बॉक्स है जिससे आपका जो राइफ़ल स्कोप आपने मंगाया है वो बहुत सेफली आया। इस पर देखें, 3x40 RGB इल्यूमिनेटेड ये स्कोप है। 3x940 का मतलब हो गया 3x9, मतलब 3 से लेके 9 तक इसकी जूमिंग कैपेसिटी है। मतलब 3 to 9 तक आप इसको जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और 40 जो है इसका ऑब्जेक्टिव आगे का जो वो है वो 40 mm का, मैं आगे बताता हूँ। अभी इसके बॉक्स के अंदर एक आपको, अच्छा, ये 11 mm का माउंट है जिस पे आप ये स्कोप को एडजस्ट करेंगे। इस स्कोप को आप इसमें एडजस्ट करके और ये अपने राइफ़ल के ऊपर इसको माउंट करेंगे। और इसके साथ एक एलन की भी है जो इसके नट को, जो इसके एडजस्टमेंट में आपको काम आएगा खोलने बंद करने में। खैर, इसको अभी साइड करते हैं। इसके अंदर एक मैनुअल है। इस मैनुअल को देखें, इसमें आपका राइफल स्कोप इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है जिसमें आपको इसके डायमेंशन, इसका इसमें साइज़ जो है वो 13 इंच है, वेट जो है 480 ग्राम्स के करीब है। और इसमें आपको इसका सारा स्पेसिफिकेशन, इसके डायमेंशन, इसके लेंस की लेंस और सभी चीज़ दिया हुआ है। आप जब भी इस तरीके का अगर कोई स्कोप लेते हैं तो आप इस मैनुअल के थ्रू आउट हो लीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी अपने राइफ़ल को ज़ीरोइंग करने के लिए, स्कोप को ज़ीरोइंग करने के लिए। इसमें एक बैटरी है जो RGB जो मैंने बताया है इसके ऊपर लगता है, तब भी वो आपका रेड ग्रीन ब्लू लाइट जो है वो आपका काम करेगा। अब देखें आप ये स्कोप, इसकी क्वालिटी काफ़ी, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर आपको एक मार्कोल RGB 3940 RGB का बैजिंग मिल जाता है और एक लेंस कवर ऊपर से है लगा हुआ। खैर, इसको हटाता हूँ। ये बेसिकली आपके लेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, जब भी आप यूज़ ना करें इसको आप लगा के रखें। ये 3x9 जो है वो ये 3 से लेके 9 तक जूम इन जूम आउट स्पेसिफिकेशन है। आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आगे 40 mm का लेंस है आगे का। ये टोटल जो है मेटल बॉडी है और ये बीच में जो है ना ये नाइट्रोजन गैस ट्यूब है। इस नाइट्रोजन गैस ट्यूब से आपको जो व्यू है, विज़न मिलेगा वो बहुत क्रिस्टल क्लियर मिलता है। मतलब आप एम जो है अपने टारगेट पे, जो ऑब्जेक्ट पे एम करते हैं वो बहुत ही क्लियर, बहुत अच्छा एम मिलेगा आपको उससे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्लियर व्यू है अंदर। खैर, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 to 9 ये जूमिंग, जूम इन जूम आउट के लिए है। और ये प्लस माइनस एडजस्टेबल, मतलब ये नॉब जो है आप इससे अपने ऑब्जेक्ट
आपको अपने एम को आप बहुत ही क्लियर, जैसे मान लीजिए आप एम कर रहे हैं और आपको ब्लर दिख रहा है, तो इसको जूम इन जूम आउट करके राइट लेफ्ट नॉब को घुमा के आप अपने एम को क्लियर व्यू में ला सकते हैं। ये ऊपर प्लस ग्रीन और रेड जो लाइट का है, हाँ देखें ये लाइट, ये ग्रीन, ये रेड, और इसी में आपका वो बैटरी लगेगा। खैर पहले बैटरी मैं लगा लेता हूँ, आप इसको देखें। खुल जा भाई, खुल जा खुल जा। सॉरी टाइम लग रहा है थोड़ा। हो गया। चलिए मैं इसके अपने बैटरी को एडजस्ट करता हूँ इस स्कोप के ऊपर। देखिए ये ब्लू लाइट अभी इसमें जल रहा है। जैसे मैं नॉब को घुमाऊंगा ना, आप इसमें देखें, मैं घुमाने के बाद ये ग्रीन लाइट भी जलेगा। हाँ देखो ग्रीन लाइट है, इसको और जब मैं नॉब को घुमाऊंगा तो ये रेड लाइट भी आएगा इसमें। देखो बेसिकली रेड लाइट जो है ना वो ब्राइट लाइट के लिए, अगर आप ये स्कोप किसी ब्राइट लाइट में यूज़ कर रहे हैं तो आप रेड लाइट जलाएंगे तो आपको काफ़ी मतलब मदद मिलेगा। और ग्रीन लाइट जो है ना वो नाइट मोड है, मतलब अगर आप नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रीन लाइट जलाएंगे, दिन में बहुत ब्राइट लाइट में यूज़ कर रहे हैं तो आप रेड लाइट जलाएंगे, और अगर नॉर्मल लाइट है मतलब तो आप ब्लू को यूज़ कर सकते हैं। ये दो एलिवेशन हैं, ऊपर वाला, ऊपर वाले को एलिवेशन कहते हैं, नीचे साइड वाले को विंडेज कहते हैं। ऊपर वाला जो मैं अभी खोल रहा हूँ उसको विंडेज कहते हैं, ऊपर वाला है ना अप एंड डाउन के लिए है। जैसे हाँ जैसे आपने राइट घुमाया या लेफ्ट घुमाया, ये आपके राइफल स्कोप को अप एंड डाउन करेगा, और जो एलिवेशन है वो लेफ्ट एंड राइट देगा। ये एलिवेशन है, ये लेफ्ट एंड राइट देगा आपके लाइफ। हाँ एलिवेशन जो है अप एंड डाउन, विंटेज लेफ्ट एंड राइट। खैर मैं इसके नॉब को फिर से बंद कर देता हूँ, जब मैं ज़ीरोइंग करूँगा अपने स्कोप को तब मैं आपको इसको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ये बहुत मतलब आपको मज़ा आ जाएगा देख के ऐसा। ये लगता है हाँ ये नीचे का है, सॉरी चूँकि फर्स्ट टाइम है मेरा भी, मैं इसलिए ये ऊपर का एलिवेशन वाले पार्ट का है। अभी मैं इसको ले जाके आपको बाहर भी दिखाता हूँ ये कितना इसका व्यू कितना कैसा आ रहा है आपको रोशनी में, मतलब जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसका क्या व्यू आएगा। ये जूम इन जूम आउट, चलिए बाहर चलता हूँ इसको लेके। आप इसको देखें ये ग्रीन, बाहर आप ये देखिए ये कितना मतलब ये मैं बहुत ये मैं इसको जूम करके, ये काफ़ी दूर है आप देखें ऐसे, ये काफ़ी कितना दूर है और स्कोप से कितना नज़दीक ये दिख रहा है। अभी मैं इसको जूम इन जूम आउट करूँगा ना तो आपको और ये नज़दीक दिखेगा। खैर मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले अपने हाथ से कर रहा हूँ,
मैं कोशिश करता हूँ इसको जूम इन जूम आउट करने का। आप इसको देखें, ये बहुत बहुत क्लियर आपको दिखेगा इस, मतलब आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितना क्लियर है, मतलब कितना आपको रेंज तक ही आपको देख पाएगा। मोटा मोटी मैं अगर कहूँ तो अंदाजे से ये 1 किलोमीटर मुझे दिख लग रहा होगा, और ये 1 किलोमीटर तक ये काफ़ी अच्छा क्लियर ये दे रहा है। आप देखें इसको, मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, ये बहुत बहुत ही ये जूम इन, मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मैं अगर कहूँ तो। खैर मैं थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ थोड़ा, मतलब लेंस की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर आप ये कहें तो बुरा मतलब गलत नहीं होगा, लेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और रही बात कि मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बेसिकली क्या है कि मैं आपको, एक मिनट में रुके मैं दिखाता हूँ, आप देखो, मैं अब लेंस को थोड़ा एडजस्ट कर लिया हूँ, किस अमाउंट पे लगाया हूँ, आप ये देखें, ये जूम इन जूम आउट आप देखें इसकी, ये काफ़ी अच्छा जूम इन जूम आउट कर रहा है। और अगर आप देख पा रहे हो, हाँ अब आपको क्लियर आएगा, मतलब एक मोटा मोटी आपको अंदाज़ा तो मिल ही गया होगा कि इसके लेंस के बारे में। खैर जहाँ तक मैं अपना रिव्यू देता हूँ, तो मुझे तो ये लेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, ये स्कोप काफ़ी अच्छा लगा, इसकी मटेरियल का इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे मज़े की बात है इसका ये ग्रीन ब्लू और रेड लाइट। बेसिकली ये ब्लू लाइट जो आप देख रहे हैं ये बहुत धूप के लिए है, रेड लाइट जो है आपका ये बहुत ब्राइट लाइट के लिए है, और ये जो ग्रीन लाइट है ये बेसिकली रात के लिए है। अगर आप रात में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्रीन पे ही चलाएं, अगर आप दिन ब्राइट लाइट में यूज़ कर रहे हैं तो रेड पे रेड लाइट जलाएं, अगर ब्लू पे कर रहे हैं मतलब थोड़ा सा बहुत सन मतलब बहुत धूप में आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको ब्लू में चलाएं। खैर मेरे हिसाब से तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये स्कोप का रिव्यू समझ में आया होगा या ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ सर कि आप सभी लोग हमारे इस नए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।